इस कड़कड़ाती सर्दी में जहां आप आग की तपिश और रजाई की गर्मी से बाहर आने का आपका मन नहीं करेगा, उसी कड़कड़ाती ठंड में संधोल की महिलाएं धरना प्रदर्शन देने को मजबूर हैं और पूरी रात वो टेंट के नीचे बैठ रही हैं। आप विजुअल्स भी देख रहे हैं और 14 पंचायतों की ये महिलाएँ हैं। और आपको बता दूँ, 2000 से ज़्यादा महिलाएं इस प्रोटेस्ट में शामिल है। जो एक महीने से प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन अब बीते 4 दिनों से ये क्रमिक अनशन में बदल गया है और दिन रात ये सेक्रेटेरिएट के बाहर बैठकर धरना प्रदर्शन दे रही हैं। इनका मुद्दा क्या है वो भी आपको बताएंगे। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी सरकार का नुमाइंदा इनसे बात करने अभी तक नहीं पहुंचा है और ना ही कोई और मिनिस्टर या एक्स मिनिस्टर कोई भी पहुंचा है इनसे बात करने के लिए। और ये खुद भी नहीं चाह रही है कि कोई पार्टी के लोग यहाँ पहुँचे, क्योंकि चाहती नहीं है कि ये राजनीतिकरण हो, लेकिन ये महिलाएं चाहती हैं कि प्रशासन और सरकार में बैठे हुए जो ओहदे पे बैठे लोग हैं वो ज़रूर इनकी मांगे सुने और उस पर अमल करें। मांग बहुत ही बेसिक है, जो बेसिक मांगे हैं किसी भी नागरिक की, शिक्षा, स्वास्थ्य, अच्छा रोज़गार, तो उसी में से स्वास्थ्य की सबसे बड़ी इनकी डिमांड है। संधोल में इस वक्त कोई भी एक्सपर्ट डॉक्टर जो है वो नहीं है। वो इन महिलाओं की मांग है कि यहाँ एक्सपर्ट डॉक्टर बिठाया जाए, ना कि इंटर्नशिप वाले जो ट्रेनी हैं उन्हें भेजा जाए। साथ ही मशीनें यहाँ पर नहीं हैं, जो जैसे एक्सरे हो गई, एक्सरे मशीन तो हैं लेकिन वो बार बार बोलते हैं वो ख़राब हो जाती है। अल्ट्रासाउंड की मशीन यहाँ पर नहीं है, लोगों के इलाज कराने के लिए संधोल से बाहर जाना पड़ता है। आपको सुनाएंगे इनकी व्यथा भी, लेकिन ये अपने में बहुत बड़ा एक मुद्दा अब ये बनता जा रहा है। और महिलाएं, आप सोचिए कि इतनी सर्द रातों में किस प्रकार से टेंट के नीचे एक सिर्फ जिसे हम कहते हैं कि एक टेंट जो होता है टेंट हाउस का, वो लगा के उसके नीचे ये प्रोटेस्ट करने को, क्रमिक अनशन करने को मजबूर है। हम चाहेंगे जल्द से जल्द सरकार इनकी बातों को सुने और उनके ऊपर कोई ना कोई एक्शन ज़रूर हो, क्योंकि संधोल का जो इलाका है काफ़ी रिमोट एरिया भी माना जाता है और वहाँ से अच्छे इलाज करवाने के लिए हमीरपुर आना पड़ता है या फिर कांगड़ा जाना पड़ता है। मंडी तो वहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है, तो वहाँ पहुँचने में भी, कांगड़ा या हमीरपुर के अस्पतालों में पहुँचने के लिए भी काफ़ी जद्दोजहद उन्हें करनी पड़ती है संधोल के लोगों को। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जो हम भी चाहेंगे कि जल्द से जल्द इस पे सॉल्व हो और जनता के जो प्रतिनिधि हैं, यानी कि जो हमारी सरकार है, सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, चाहे मिनिस्टर हों चाहे स्थानीय विधायक हों, ज़रूर इनसे मिलें और इनकी व्यथा को सुने और कोशिश करें कि उसे सॉल्व करने की। तो चलिए आपको सुनाते हैं कि इन प्रोटेस्टर्स का क्या कहना है। मैं पूर्णम ठाकुर, महिला मंडल सचिव छाली, संयोजक समस्त महिला मंडल संधोल, सर्वप्रथम अपनी मातृशक्ति का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि वो उन्होंने जो है 2 महीने से इस संघर्ष में शामिल हैं और आज इतनी दूर दूर से, इतनी ठंड में भी जो हमारी मातृशक्ति दूर दूर के गांव से ठंड के होते हुए भी हमारा साथ और सहयोग देने के लिए यहाँ आई हुई है। तो मैं इस बात का दुख है कि जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हमने चुन के भेजे हुए हैं विधायक जी, उनको अभी तक जो है मातृशक्ति की वेदना समझ नहीं आ रही है, या तो उन्होंने सुनने की इच्छा ही नहीं रखी है कि मैं इनकी वेदना समझ पाऊँ। तो मैं मातृशक्ति के लिए एक बार पुनः इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और ये मातृशक्ति का कहना है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती, टेम्परेचर चाहे माइनस में क्यों ना चला जाए, हम जो है इसी तरह रातों में भी यहाँ बैठ के डटे रहेंगे। और आज से जो है 24 घंटे का क्रमिक अनशन जो है हमारा शुरू है, तो ये तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती। अगर उसके बाद भी हम कुछ समय के बाद अगली रणनीति बनाएंगे, उसके बाद जो है अगर हमारी मांगें फिर भी पूरी नहीं होती तो अगली रणनीति होगी और ये आंदोलन और उग्र रूप धारण कर सकता है, क्योंकि अब जो है समूचा संधोल क्षेत्र, समुचित संधोल तहसील क्षेत्र के अलावा समूचा संधोल तहसील जो 14-15 पंचायतें हैं वो हमसे जुड़ चुकी हैं। तो मैं एक बार फिर अपील करती हूँ सरकार से और निवेदन करती हूँ, कृपया हमारी वेदना समझें और हमारी मांगों को जल्दी से जल्दी पूरा करवाएं, नहीं तो ये आंदोलन जो है आगे उग्र रूप धारण कर सकता है। नमस्कार जी, मैं सत्या देवी, महिला मंडल कछाली प्रधान बोल रही हूँ। और जो हमारी नारी शक्ति का जितना भी ये प्रोटेक्शन चल रहा था, उसके लिए जो है हमने 3 बार ज्ञापन दिए हैं सरकार को, पर हमारी डिमांड जो है, हमारी सुनवाई नहीं हुई है, ना सरकार ने सुनी कुछ भी। तो उसके लिए हमें अब जो है कितने 2 महीने से हम जो इसमें बैठे हुए थे,
धरने पे बैठे हूँ। अब हमें मजबूर कर दिया गया है कि हम जो है आज से भूख हड़ताल पे बैठे हैं। हम साथ चलेंगे और ये मांगे मेरी या पुनव ठाकुर की या किसी इंडिविजुअल की नहीं है, ये संधोल तहसील के 40,000 आदमियों के लिए है। चाहे मड़ी से इस तरफ का सियों का और सारा ये 15-20 पंचायतें संधोल तहसील की हैं, ये सारी संधोल के ऊपर डिपेंडेंट हैं। मैंने पहले भी कहा था बहनों कि ये मंच इसमें ना कोई बीजेपी का है ना कांग्रेस का, यहाँ सभी महिला मंडल के इस छाते के ऊपर आप हम एकत्रित हुए हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि ऐसी रैली महिलाओं की तो पहले कभी हुई थी और आगे भी शायद आप अगर संघर्षित रहें तो होगी। मैं मेरा उस वर्ग से भी अपील है कि वो भी बढ़ चढ़ करके इस आंदोलन में शामिल हो। हमारा किसी से दुश्मनी नहीं है, हम किसी को गाली नहीं देते हैं, हम किसी को बुरा भला नहीं कहते हैं। शांति प्रिय आंदोलन है हमारा और ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक ये मांगे पूरी ना हो जाए। बड़ा दुख होता है कि 2 महीने से ये नारी मेरी बहनें दूर दूर से आके बैठी हुई हैं और किसी भी सरकार के नुमाइंदों की हिम्मत ना हुई कि आकर इनसे मिले कि दुख तकलीफ क्या है। आपका जो दुख तकलीफ है, आपकी जो मांगे हैं बड़ी जायज मांगे हैं। 1 साल हो गया, करोड़ों रुपए का पैसा लगा इन बिल्डिंगों पर। ये सामने देखो ये हाथी जो खड़ा हुआ है 30 करोड़ का, नीचे स्टेडियम खड़ा है 6 करोड़ का, सिविल हॉस्पिटल जहां कम से कम 10 मेडिकल स्पेशलिस्ट होने चाहिए थे। मैं पार कांगड़ा पालमपुर में गया था, वहां भी नागरिक हॉस्पिटल है, वहां 10 स्पेशलिस्ट हैं और 24 डॉक्टर हैं वहां। उसी तरह से संधोल भी एक नागरिक हॉस्पिटल है, यहां डॉक्टर हैं हमारे MBBS। कदम पीछे नहीं हटेंगे, नारी शक्ति जिंदा।